नमस्ते मित्र, आपका जीवन मंगलमय हो। मिस्टरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने जीवन में तथाकथित वास्तविक भूतहा कहानी ना सुनी हो। अपने बड़े बुजुर्गों या अन्य परिवारजनों से आपने कुछ ऐसे किस्से जरूर सुने होंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके भीतर थोड़ी बहुत जिज्ञासा और अत्यधिक भय या दहशत पैदा हो गई होगी। कुछ विशेष स्थान भी ऐसे होते हैं जिन्हें आत्माओं का बसेरा माना जाता है। अभिभावक पहले ही अपने बच्चों को ऐसी जगहों से आगाह कर देते हैं। वैसे तो इस दुनिया में रहस्य और हॉरर से जुड़ी कहानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ कई स्थान ऐसे भी हैं जो कहानियाँ नहीं बल्कि असल में रूहों और पिशाचों का निवास स्थान है। बेरी पोमेरॉय का महल टॉटनेस। इस महल से जुड़ी कहावतों और कहानियों का संबंध 14वीं शताब्दी से है। ऐसा माना जाता है यहाँ दो बहुत लोकप्रिय महिलाओं, सफेद औरत और नीली औरत की आत्मा घूमती है। सफेद औरत मार्गरेट पोमेरॉय है। मार्गरेट की बहन उससे बहुत जलती थी। इसी जलन के कारण उसने मार्गरेट को कैद कर दिया था। कैद और भूख के कारण मार्गरेट की मृत्यु हो गई। वहीं नीली औरत कौन है यह अभी तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन जो भी उस नीली औरत के पीछे जाता है वह कभी भी वापस नहीं आया। डोमिनिकन हिल, फिलीपींस। लोगों का मानना है कि युद्ध के समय जो लोग मारे गए थे उनकी आत्माएं यहाँ भ्रमण करती हैं। वे घायल सैनिक या मरीज जो जीना चाहते थे वह आज भी इस स्थान पर रहते हैं। दरवाजों को जोर जोर से खटखटाना, बर्तनों को तोड़ना और अजीब तरह से चिल्लाना यहाँ आत्माओं की पुष्टि करता है। एडिनबर्ग का महल, स्कॉटलैंड। इस मध्ययुगीन महल के विषय में प्रचलित कहानियाँ भी अत्यधिक भयानक हैं। देखने में यह महल बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। इसके आसपास की जगह भी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता के बीच मृत लोगों की आवाजें और चीखें हैं। प्लेग और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय मरे लोगों की आत्माएं यहाँ घूमती हैं। कुछ लोग यहाँ कुत्तों की आत्माओं के होने की भी बात करते हैं। माउंट क्रिस्टो, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये स्थान बेहद खतरनाक है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक महिला की आत्मा रहती है। पति के मृत्यु के पश्चात मिसेज क्रॉली नामक यह महिला 23 वर्ष में मात्र 2 बार अपने घर से बाहर निकली। आज यह अपने घर में किसी को भी घुसने नहीं देती। विशेषकर अपने कमरे में वह हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है। लाइटों का अपने आप जलना और बंद हो जाना इस मकान की एक सामान्य निशानी है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही वह उस कमरे में गए उनकी सांस अपने आप बंद होने लगी, लेकिन कमरे से बाहर आने पर उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। एंशियंट रैम इन इंग्लैंड। कब्रिस्तान के ऊपर बनी यह इमारत पूरी तरह आत्माओं के कब्जे में है। यहाँ अजीब सी आवाजें हर समय सुनाई देती हैं। घर में बदबू के साथ साथ असाधारण वस्तुएं भी मिलती रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हत्याएं होती थी और बच्चों की बलि दी जाती थी। हाईगेट सिमेट्री, लंदन। ये स्थान लंदन का सबसे कुख्यात भूतहा जगह है। यहाँ सरकटी आत्माएं घूमती हैं। यह एक बहुत सुंदर और आकर्षक स्थान है। यहाँ आने वाले लोग इसकी कलाकारी के भी कायल हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स को भी यहीं दफनाया गया था। स्क्रीमिंग टनल, ओंटारियो। स्क्रीमिंग टनल का रहस्य नायग्रा फॉल्स से संबंधित सभी कहानियों में सबसे ज्यादा भयानक है। ये टनल नायग्रा फॉल्स को टोरंटो से जोड़ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस टनल में एक जलती हुई लड़की की आत्मा घूमती है। रात के समय वह इस टनल में बैठती है और माचिस से खुद को जलाकर पूरी रात चिल्लाती है। ओहियो यूनिवर्सिटी, अमेरिका। इस यूनिवर्सिटी के ज्यादातर परिसर हॉन्टेड माने जाते हैं। ब्रिटिश सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च का कहना है कि ओहियो यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे हॉरर स्थानों में से एक है। विल्सन हॉल एक लड़की जिसे सब चुड़ैल मानते थे के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ था। वह लड़की अपने खून से इस हॉल की दीवारों पर असाधारण और रहस्यमय कहानियां लिखने के बाद मर गई। वहीं वॉशिंगटन हॉल के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहां उन खिलाड़ियों की आत्माएं घूमती हैं जो एक हादसे के अंदर मारे गए थे।
कभी कभार उन्हें बास्केटबॉल खेलते भी सुना जा सकता है। भानगढ़ का किला, राजस्थान। यूं तो भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें आप हॉन्टेड या भूतहा कह सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा भयानक है भानगढ़ का किला। इस किले के भूतहा होने पर अब किसी को कोई संदेह नहीं है। वैसे तो यह एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सरकार की ओर से भी यहां अंधेरा होने से पहले पर्यटकों के चले जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले यहां रत्नावती नाम की बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को अपने वश में कर उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। डुमास बीच, गुजरात। इस बीच पर हिंदुओं के शवों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ कई बार असाधारण और हॉरर गतिविधियां महसूस की गई हैं। यहाँ आने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में हर ओर मरे हुए लोगों की उपस्थिति रहती है। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। ये स्थान कुख्यात और अमानवीय सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्मा आज भी भटकती है। मृत सैनिक यहाँ आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कई बार लाइटमैन और कैमरामैन गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग यहाँ आने से घबराते हैं, लेकिन व्यवसाय को हानि ना पहुँचे इसलिए आत्माओं की कहानियों को निराधार बताता जाता रहा है। राज किरण होटल, मुंबई। लोनावला, मुंबई स्थित राज किरण होटल में एक कमरा आत्माओं की चपेट में है। जिन लोगों ने वहां रहने की हिम्मत दिखाई है, उनका कहना है कि रात के समय कोई उनकी चादर खींचता है और अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। कभी कभार उन्हें घायल करने की कोशिश भी की गई है। सवॉय होटल, मसूरी। अंग्रेजी शासन काल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या की गई थी, जिसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लड़की लेडी ओमे का हाथ है। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाची के आदेशानुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हथियारों ने उसे ढूंढ कर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसकी कराहने की आवाजें सुनी है। चांदनी रात में वह जगह और अधिक भयानक हो जाती है। डॉक्टर हिल्स, पश्चिम बंगाल। इस घने जंगल में ना जाने कितनी ही हत्याएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार यहां अजीबोगरीब चीजें महसूस की हैं। विक्टोरिया बॉय स्कूल में छुट्टियों के दिनों में हलचल और लोगों की आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। डिसोजा चाल, मुंबई। माहिम, मुंबई में स्थित डिसोजा चौल के पास एक कुआं है। कहा जाता है कि इस कुएं में पानी भरते हुए एक महिला डूबकर मर गई थी। आज भी उस महिला की आत्मा उस कुएं और चौल में घूमती है। वह किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा YouTube वीडियो देखने के लिए।